वेलकम टू अल्पाहार। मेरा नाम अल्पा शाह है। आज हम साउथ की बहुत ही पॉपुलर डिश कांचीपुरम इडली, वेजिटेबल और सूजी से बनाई हुई स्पॉन्जी इडली हम बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये 4 कप सूजी ली है। अब हम उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। 1/2 कप ग्रीन पीस, मटर है 1/2 कप। वेजिटेबल्स आप अपने इच्छा अनुसार कम ज्यादा या स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 कप मकाई है, 1/2 कप पंसी है फ्रेंच बीन्स, 1/2 कप बारीक कटा हुआ गाजर, 1/2 कप बारीक कटा हुआ धनिया है, 2 टेबलस्पून मैंने अदरक मिर्ची का पेस्ट लिया है। इसका आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मैंने दही लिया है 3 कप जितना, वो डाल देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे। सूजी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए पानी हमें धीरे धीरे मिलाना है। 1 ग्लास पानी और डालेंगे। ये 200 ml का मेजर का ग्लास है। अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तब तक हम एक तड़का तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून घी लिया है। ये इडली में घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये घी थोड़ा ज़्यादा लिया है। आप चाहें तो कम ले सकते हैं। घी गर्म हो चुका है। 1 टेबलस्पून उड़द की दाल डालेंगे। हल्का सा गुलाबी हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे। जीरा थोड़ा फूलने लगे फिर हम इसमें 15 से 20 काजू लिए, जिसे मैंने छोटे टुकड़े कर लिए, वो डाल देंगे। काजू को भी हल्का गुलाबी हुए तब तक हमें इसे सौते करना है। काजू भी हल्के से गुलाबी हो चुके हैं। मैंने 2 टेबलस्पून कटा हुआ कड़ी पत्ता लिया है, वो डाल देंगे। गैस की आंच बंद कर देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। हमारा तड़का तैयार हो चुका है। रेस्ट देखिए 1/2 घंटा हो चुका है। सूजी ने अच्छे से पानी चूस लिया है। हमें और 1 ग्लास पानी इसमें डालना पड़ेगा इसकी कंसिस्टेंसी को लेवल करने के लिए। आप देख सकते हैं ऐसी कंसिस्टेंसी वाला हमें बैटर चाहिए। ऐसा गाढ़ा घोल हमारा होना चाहिए। अब हम इसमें तड़का डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, हमारा बैटर रेडी हो गया है। हमारा घोल अच्छे से तैयार हो चुका है।
अब हम इसमें ये जो ब्लू रंग का इनो का जो पैकेट आता है वो डालेंगे, एक पैकेट, और उसके ऊपर 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे। हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैंने इडली का स्टैंड ले लिया है जिसे ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें पोर कर देंगे। इस तरह से हम सारे स्टैंड भर देंगे। इडली के कुकर के लिए मैंने पानी गर्म कर दिया है। अब हम इसमें ये इडली का स्टैंड रख देंगे। मैंने ढक्कन में रिंग और सीटी दोनों निकाल ली है, ढक देंगे। अब हम 10 से 12 मिनट के लिए इडली होने देंगे। गैस की फ्लेम फास्ट ही रखेंगे। तैयार है हमारी कांचीपुरम इडली या रवा वेजिटेबल इडली, जिसे मैंने सांभर और चटनी के साथ सर्व किया है। आप सांभर और चटनी का वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। और चटनी की भी 4 वेराइटीज मैंने पहले अपलोड की है, उसकी भी लिंक मैंने डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट ऐसी इडली बनी है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, हेल्दी भी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर से दीजिएगा। थैंक यू।